नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, एसएससी ने अपने साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसको कि आप साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसका पूरा नाम है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसीलिए इसको आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट भी कहते हैं। इसकी परीक्षा जो है 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक होनी है। उसके प्रवेश पत्र और स्टेटस जारी कर दिए गए। इस वीडियो में आपको लाइव जो है चेक करके दिखाने वाला हूँ कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आपको स्टेटस चेक करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें इसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, इसका लिंक आपको मिलेगा सरकारीresult.com पर, और साथ ये लिंक आपको मिल जाएगा rozgarresult.com पर। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसको चेक करने के लिए पहले आपको बता दें, आपने जिस रीजन में अप्लाई किया होगा उसी रीजन में जो है आप जो है चेक कर सकते हैं। एग्जाम मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, अगर आपने जो एग्जाम सेंटर लिया है वो राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड लिया है तो आपको एनआर चेक करना है। अगर आपने सेंटर जो है उत्तर प्रदेश या बिहार लिया है तो आपको सेंट्रल रीजन चेक करना है। अगर आपने सेंटर जो है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ लिया है तो आपको एमपीआर रीजन में चेक करना है। तो इस तरह अलग अलग का है। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो बता दें, इसको चेक करने के 3 माध्यम है। पहला माध्यम है कि आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सर्च पे जो है क्लिक कर देना। दूसरा ऑप्शन है रोल नंबर, हालांकि रोल नंबर आपको पता नहीं होगा, अगर मैसेज के थ्रू आपके पास रोल नंबर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप जो चौथा ऑप्शन इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मेरा नाम है सुरेश तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दूंगा, SURE 4 लेटर डालना है। इसी तरह पिता के नाम में रमेश डालने, मान लीजिए आपके पिता का नाम राम कुमार है या कुछ 3 लेटर का नाम है तो आप राम लिखने के बाद स्पेस दे देंगे। अगर आपके पिता का नाम में 3 लेटर है तो, अगर 4 लेटर है तो 4 लेटर आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये कैप्चा डाल देना है। तो दोस्तों, मैं जो चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर रहा हूँ, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जो जन्मतिथि है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को डाल दिया, देख सकते हैं सबको डालने में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ गया। उसके ठीक बगल में यहाँ पे आप देखेंगे सर्च का बटन दिखाई दे रहा है, अब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्टेटस आपको दिख जाएगा, ठीक उसी के नीचे आपको नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपको दिख जाएगा, आपको एग्जाम की डेट मिल जाएगी, एग्जाम का शिफ्ट पता चल जाएगा, एग्जाम का टाइमिंग पता चल जाएगा, एग्जाम का सेंटर पता चल जाएगा, ठीक उसी नीचे आपको आपका फॉर्म का स्टेटस पता चल जाएगा। और नीचे जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर जिसमें दिया हुआ है कि जो इसका एडमिट कार्ड है वो परीक्षा के 4 दिन पहले डाउनलोड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जिस कैंडिडेट का चेक करके दिखा रहा हूँ उसका जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर को है, तो उसका एडमिट कार्ड जो 11 दिसंबर से डाउनलोड होगा। तो दोस्तों, जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं चेक एंड अदर कैंडिडेट के ठीक बगल में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जिसपे लिखा रहेगा डाउनलोड प्रिंट एडमिट कार्ड। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एडमिट कार्ड जो बार बार डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप बार बार डाउनलोड करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और आप जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको जो एडमिट कार्ड अगर आपका प्रिंटर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको जब डाउनलोड कीजिए तुरंत ही अपने मोबाइल पे या ईमेल पे सेव जरूर कर लीजिए। चलते चलते फिर बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लिंक आपको sarkarresult.com और rozgarresult.com पर भी मिल जाएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।